हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं एन इन बॉलीवुड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप आते हैं सिनेमा जगत की तमाम हर हलचल, और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि आखिर टेलीविजन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक एन इन बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वरना आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस कैसे पाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा लॉकडाउन को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो इस लॉकडाउन पीरियड को अलग अलग तरह से एंजॉय करते हैं, अपने जो फैंस हैं उनके साथ में इंटरेक्शन के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और कपिल शर्मा ने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग सेशन तैयार किया #AskKapil के तौर पर, और यकीन मानिए जिस तरह से सेशन ये शुरू हुआ उसके बाद में जिस तरह से फैंस के रिएक्शन आए, सवाल जवाब का दौर चला, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आइए देखते हैं कि आखिर आज कपिल में किस तरह के सवाल पूछे हैं उनके फैंस ने। कपिल के फैंस की लिस्ट में मशहूर शायर और कवि राहत इंदौरी का नाम भी आता है। दरअसल राहत इंदौरी साहब ने आज कपिल के जरिए कपिल शर्मा को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। लेकिन शायर की इस ट्वीट पर कपिल शर्मा ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया और जवाब देने के बाद माफी भी मांग ली। कपिल शर्मा ने जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, एक बार जाके देख लीजिए छत पर, कोई और ना सो रहा हो, गुस्ताखी माफ। राहत इंदौरी ही नहीं, कपिल के फैंस की लिस्ट काफी लंबी है। एक फैन ने कपिल शर्मा से पूछा, पाजी आपका शो बहुत मिस कर रहे हैं, एक छोटा सा जोक तो जरूर बनता है, इतने दिन जो हो गए। इसके जवाब में कपिल ने लिखा, छोटे जोक्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए, लॉकडाउन है भाई। इस दौरान एक फैन ने कपिल से पूछा कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे, एक दो नाम जरूर बताएं। फैन के सवाल का जवाब देते हुए कपिल ने कहा, मम्मी से, वो पंजाब में है। अब कपिल शर्मा अपनी माँ के कितने करीब हैं ये बात किसी से नहीं छिपी। एक दूसरे फैन ने सवाल करते हुए पूछा, आपका 2020 का बेस्ट मोमेंट क्या है, जिसके जवाब में कपिल ने कहा, लॉकडाउन में मेरी बेटी के साथ समय बिताना। कपिल के फैंस शायद उन्हें नच बलिए में भी देखना चाहते हैं। एक फैन ने सवाल पूछते हुए लिखा, क्या आप कभी भी गिन्नी भाभी के साथ नच बलिए या फिर किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे। कपिल शर्मा ने इस सवाल का मजेदार जवाब देते हुए लिखा, अच्छा सवाल है, कभी नहीं। एक फैन ने सवाल पूछते हुए लिखा, घर में रहकर बाबा वाला लुक आ गया होगा, है ना कपिल बाबा। इसके जवाब में कपिल ने लिखा, क्यों भाई, घर में रह रहा हूँ, गुफा में नहीं। एक फैन ने उनके शो को लेकर सवाल करते हुए लिखा, क्या आप खुद भी अपने शो को देखकर हंसते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका जवाब देते हुए कपिल ने लिखा, बहुत कम देखता हूँ क्योंकि सब तो खुद ही शूट किया होता है। बता दें कि कपिल ने ये सेशन रखने से पहले एक वीडियो पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो #AskKapil सेशन रखने वाले हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, अब ऐसे में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री भी पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते लॉकडाउन के बाद से कपिल शर्मा अपने द कपिल शर्मा शो का नया एपिसोड लेकर नहीं आ पाए। अब ऐसे में उनके फैंस द कपिल शर्मा शो के लिए नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आप भी इसी तरह से हंसते खिलखिला रहे होंगे, और इसी तरह से हंसते खिलखिलाते रहिए, हमारी भी यही कोशिश है। और आप हंसते खिलखिलाते तो रहिए ही, साथ ही साथ फिट भी रहिए। कैसे आपको फिट रहना है ये हम लगातार एन इन बॉलीवुड में तमाम वीडियोज़ के जरिए बताते रहते हैं कि आपके फेवरेट स्टार्स किस तरह से फिट हैं और वो आपको कैसे फिटनेस टिप्स दे रहे हैं। तो उन वीडियोज़ को देखना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए एन इन बॉलीवुड।